गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं डलहौजी। तो पठानकोट से डलहौजी कुछ अराउंड कितना है? 64 किलोमीटर है मेरे ग्लासेस से। तो हम लोग अभी बस चले हैं, निकले हैं और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। अब रास्ते में देखते हैं क्या है, क्या देखने को मिलेगा। और चलो आपको भी साथ लेके चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी 10 बजे हैं। बीच में बहुत सारी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें भी इतना नहीं पता। तो जैसे जैसे कुछ अच्छा आता जाएगा आप लोगों को दिखाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पढ़ती। तो ये गीतिका का स्कूल था, आर्मी स्कूल, जिसमें वो पढ़ाई करते हैं। पब्लिक स्कूल आर्मी वालों का ही तो है। तो ये हमने टर्न ले लिया पठानकोट से, ये वाला जो रास्ता है ये डलहौजी को जाता है। और पहले मैंने गलत बोल दिया था, बोर्ड पे देखा इट इज 68 किलोमीटर। व्यू देखो साइड में, क्या क्लासी व्यू है। पूरी इधर से वैली दिख रही है, बीच में कोई लेक है। आप लोगों को पता नहीं गाड़ी में समझ में आ रहा होगा या नहीं, बट शानदार है ना कि तुम। और अभी रोड भी काफी अच्छा हो गया, आगे पता नहीं कितनी देर तक है बट अभी तो स्टार्ट हो गया। और मैम के भी स्टार्ट हो गए टकाटक। क्या खा रहे हो? पॉपकॉर्न और लिमका। जाके जो है रोड आया है सही, अदरवाइज अभी तक सारा रोड टूटा हुआ था। ये चंबा गवर्नमेंट के अंडर में, और सामने का व्यू देखो आप, क्या क्लासी व्यू है। तो अगर आप पठानकोट की तरफ से आ रहे हो तो आप ये लेके चलिए कि आपको नियर अबाउट 40 किलोमीटर जो रास्ता मिलेगा वो टूटा फूटा ही मिलेगा, जिसपे आप गाड़ी कितना भी करके 50-60 से अबव की स्पीड मेंटेन करके नहीं चला सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। अब ये रास्ता टचवुड अच्छा है, एंड कोशिश प्रे करते हैं कि डलहौजी तक ये ऐसा ही साफ सुथरा रास्ता रहे, जिससे कि गाड़ी चलाने में भी मज़ा आए और टाइम से पहुंच भी जाए। तो इधर से डलहौजी रह गया 28 किलोमीटर, और ये यहाँ से किस चीज़ का टैक्स काटते हुए हिमाचल एंट्री। तो ये हिमाचल एंट्री के अभी 70 रुपए पे आउट करने। तो ये वापसी में भी लगेगा? अच्छा, वन टाइम होता है। धन्यवाद। तो 70 रुपीज का एंट्री हिमाचल में, जो कि 24 आवर्स के लिए वैलिड है। और हमारी मंजिल यहाँ से रह गई है 28 किलोमीटर, और इधर पे चेक पोस्ट है, चेकिंग हो रही है किस चीज़ की पता नहीं, क्योंकि कोरोना वरोना की तो अब कोई चेकिंग खास रही नहीं है। और कागज वागज चेक कर रहे हैं। हिमाचल में जब भी कोई बाहर से गाड़ी लाता है ना, तो दो चीजों का जरूर ध्यान रखना है, एक तो आपकी इंश्योरेंस, और एक इंश्योरेंस से भी इम्पोर्टेंट है पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन आपकी नहीं हुई तो हिमाचल में 3,000 रुपए का शायद चलान है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। जो कोई हिमाचल का सब्सक्राइबर ब्लॉग देख रहा हूँ प्लीज बताना कितने का है। ये मंदिर है, यहाँ सब जय करते हैं, हम भी जय करेंगे। जय माता की, और जर्नी को आगे बढ़ा रहे। देखिए देखिए, अब ये होता है जब छोटे रास्ते शुरू हो जाते हैं। शी इज स्लीपिंग, मैं एज कूल एज कुकम्बर गाड़ी चलाते हुए मस्त। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा डलहौजी। ये यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, और ये साइड पे मार्केट्स वगैरह हैं। अभी हम मेन मार्केट जा रहे हैं, बट अभी कुछ गांधी चौक की गांधी मार्केट कुछ ऐसा कुछ नाम है उसका। तो ये बहुत छोटा रास्ता है, और इतने छोटे रास्ते में भी
साइड पे ना लोगों ने इतनी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं कि अगर वहां से कोई गाड़ी आती है तो मुश्किल हो जाता है दो गाड़ियों को एकदम क्रॉस होना इकट्ठे। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हमने मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा ठंड होगी, बट ठंड तो बहुत ज्यादा है। जैसा कि हर हिल स्टेशन पे होता है प्रॉब्लम पार्किंग की, यहाँ पे भी है। अब वो ऊपर मार्केट घूमना है बट गाड़ी पार्क करने के लिए 100 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ कहीं जाके गाड़ी पार्क होगी। ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है और पार्किंग से व्यू देखो, वो देखो आगे आपको दिख रहा होगा, बर्फ पड़ चुकी है वहाँ पे सारी और कितना सही व्यू है। ऐसे जूम करके तो कुछ पता लगेगा नहीं, सो फार एवरीथिंग इज गुड। तो चलो चलते हैं, गिट्टी का ऊपर वेट कर रही है। सो वी आर एट गांधी चौक डलहौजी, कुछ बोलना है? अभी हम तिब्बतियन मार्केट जाएंगे कुछ एक्सप्लोर करने, मैंने पहले देखा हुआ है ये मार्केट, छोटा सा मार्केट है और यहाँ पे हमें शायद खाने को भी कुछ अच्छा मिल जाएगा। दिस इज द माल रोड, दिस इज कैफे डलहौजी जहाँ पे अभी हम जाएंगे कॉफी पीने, और ये बैठने के लिए अगर आप थक जाओ तो आप यहाँ बैठ सकते हो। दे हैव द सीटिंग अरेंजमेंट्स हियर एंड दिस इज द मेन थिंग कैफे डलहौजी जहाँ पे अभी हमारे को जाना है। और ये सारा माल रोड है, यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, वेज नॉन वेज सब कुछ है। और शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, तो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमारे मोमोज आ गए जो हमने इस शॉप से ऑर्डर किए एंड कैसे हैं? मोमोज अच्छे हैं, बहुत अच्छे। 80 रुपीस में मोमोज हैं एंड गीतिका इज सेइंग इट इज़ टू गुड। मैंने खा के देखा नहीं है तो मैं अब खाता हूँ। बहुत गर्म है पर? नहीं ज़्यादा गर्म नहीं है। दे दो, यही दे दो। फुल ऑफ वेजिटेबल्स, मोमोज आर गुड। तो अगर मोमोज खाने हो तो माल रोड पे शॉप पे जरूर आना, सी एफ सी ईट एंड ट्रीट पर वेज भी मिलेंगे। जैसे हर हिल स्टेशन पे होता है आपको, वैसे इधर छोटी सी ये मार्केट है। वो तो हर हिल स्टेशन पे चले जाओ एक माल रोड होता ही होता है, सेम यहाँ पे भी है। और शिमला जितना तो नहीं है बड़ा बट ठीक है, इधर आपको अच्छा खाने को सब कुछ मिल जाएगा। टी पॉइंट, वाइन वाइन भी है, जिसको वाइन चाहिए ले सकता है यहाँ से, और चाइनीज हट शॉप। तो ये बस यहीं तक है, हार्डली 500 मीटर्स में, उसके अलावा कुछ नहीं है। दिस इज द व्यू माल रोड से जो आता है आगे को, एंड चेक करो कितना सही है, वर्थ है आपका यहाँ पे आना अगर आप नेचर लवर हो, राइट? ये देवदार के पेड़ हैं सारे और ये तो आप काट ही नहीं सकते हो मतलब। एंड हाउ स्टीप इट इज, कितना, और इतनी ठंडी हवा चल रही है अभी, सिर पे लग रही है। तो सोचो कि सर्दियों में जब यहाँ पे पूरा बर्फ गिरी होती है तो ये कितना अच्छा लगता है सी, एंड सूरज ऊपर। सो दिस इज द व्यू, अभी आगे भी चलेंगे और भी दो चार व्यू हैं जो आपको दिखाएंगे। ये पूरा डलहौजी है एंड यहाँ गीतिका जी। अभी आपको हम लेके चलते हैं तिब्बतियन मार्केट, वो कह रहे हैं यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। कुछ अच्छा रीजनेबल हुआ तो ज़रूर बाय करूँगी, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे शॉपिंग का बहुत कीड़ा है और मुझे शॉपिंग करनी होती है, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं लेके ही आती हूँ। अभी देखती हूँ अगर ज़्यादा ही अफोर्डेबल नहीं हुआ है, हाई प्राइस हुआ तो मैं नहीं दूँगी, पर अगर हाँ मैं अफोर्ड कर पाई तो मैं दूँगी, कुछ ना कुछ तो मैं दूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं और अब और एक्सप्लोर करते हैं डलहौजी में क्या क्या है देखने को। ये आप और मोमोज खाएंगे, इसके लिए आप ये चीज ध्यान रखना अगर आपको यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करनी है, दिस इज सनराइज व्यू और इतनी शानदार पिक्चर्स आई हैं, वो देखने के लिए आप लोग हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। दोनों के इंस्टाग्राम की आईडीज इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, गीतिका की एंड मेरी भी। यहाँ मंकीज बहुत हैं तो बी केयरफुल, अगर बच्चे वगैरह हैं आपके साथ तो खाने की चीजें लेके मत मार्केट में घूमना, क्योंकि यहाँ पे मंकीज जो है वो झपट्टा मार। ये देखो ऊपर बैठे हुए, ये वो रास्ता है जहाँ से आप लोग आते हैं, ये गांधी चौक एंड दिस इज द माल रोड एंड नाउ वी आर गोइंग टू तिब्बतियन मार्केट जो कि वहाँ पे गाड़ी पार्क करने का नीचे उस तरफ है,
तो आप यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. बट वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है बिकॉज इट इज़ इलीगल एंड चलान आपका हथियार ही हो जाएगा. ये देखो क्योंकि यहाँ पे पुल स्टेशन है. सो नेवर पार्क योर कार ऑन दिस चौक गांधी चौक. तो अभी हम जा रहे हैं इंडो तिब्बतन मार्केट जस्ट टू रोम अराउंड कि क्या कुछ है वहाँ पे. खजियार यहाँ से 22 किलोमीटर्स हिल टॉप 5.5. सी दिस इज इंडो तिब्बतन मार्केट. सब अंदर ही है ये. सो दिस इज इंडो तिब्बतन मार्केट फ्रॉम इनसाइड. वही सब विंटर क्लोथ्स जो माल रोड पे सामान था वही सारा सामान यहाँ पे भी है. नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. बस कुछ खास नहीं है. तो अब यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं काला टॉप विच इज 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. बहुत बड़ी गली सी है. पता नहीं कहाँ जाके निकलेगी. चले जा रहे हैं क्योंकि मैडम चले जा रही है आगे आगे पीछे पीछे हम जा रहे हैं. एंड ये कह रहे हैं आगे निकलेगी कहाँ निकलेगी पता नहीं. तो यहाँ पे दीदी के पास मिल रहे थे नॉनवेज मोमोज. जगह देख लो सनकूर के नाम से है. इधर इससे आप सीधा आओगे तो उनके पहुँच जाओगे बट उनके पास वेज मोमोज नहीं होते. तो नाउ वी आर गोइंग पंच पुल विच इज 2 किलोमीटर्स.